हेलो वीवर्स, क्या आपके पर्सन डरते हैं आपको खोने से? 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 ये देख लो, क्या आपके पर्सन डरते हैं आपको खोने से? क्या आपके पर्सन डरते हैं आपको खोने से? हो क्या आपके पर्सन डरते हैं आपको खोने से? क्या दिख रहा है आपको? यस, अब बिग यस, आपके पर्सन आपको खोने से डरते हैं। उनको बहुत अटैचमेंट है, लेकिन आपके रिश्ते के बहुत सारे दुश्मन हैं। लेकिन एंजल ऑफ बैलेंस आपके रिश्ते को ब्लेस कर रही हैं, आपका रिश्ता नहीं टूटने देंगी। उनका दिल सिर्फ आपके लिए धड़कता है। आप लोगों के हो सकता है बहुत से दुश्मन बन गए हैं आपके रिश्ते को। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पसंद नहीं करते थे, और कहीं ना कहीं इस रिश्ते में धोखा दिया, इस इंसान ने आपको धोखा दिया, और इसलिए ये डरता भी है आपको खोने से कि मैंने उसको धोखा दिया, अगर वो खो गई तो मैं क्या करूँगा। मैजिशियन एंड द मिरर, आपको ये इंसान मैनिफेस्ट करता है, और कहीं ना कहीं आप भी इसको ना चाहते हुए या ना चाहते हुए मैनिफेस्ट करते हो हर समय। और आर्क एंजल अब माइकल आपके लव को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आर्क एंजल माइकल जब आपके रूट इनके रूट चक्र को हील कर रहे हैं और आपको आपके रिश्ते को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर कौन ही अलग करेगा आपको। पेशेंस रखो, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी आएगा। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स इसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, और लास्ट में आप दोनों के रिश्ते की मिलने वाली है विक्ट्री। आप लोग विक्ट्री हासिल करोगे और आप लोगों का रिश्ता बनेगा। नंबर इंपॉर्टेंट है 5, 25, 48, 45, 20, 53, 35, 16, 13, 28। नंबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है 5, 7, 8, 12, 9, 2, 20, 2, 2 फरवरी मंथ 8, 5, 6, 7, 8, 8, 4, 10, 1, 1 नंबर। पहला जनवरी का महीना भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ये देख लेना ये डेज और ये तारीखें आपकी जिंदगी से कैसे मैच करती हैं। अब हम लेंगे टैरो से, क्या आपके पर्सन आपको खोने से डरते हैं। अटैचमेंट, क्वीन ऑफ सोर्स, क्या आपके पर्सन आपको खोने से डरते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल, क्या आपके पर्सन आपको खोने से डरते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्या आपके पर्सन आपको खोने से डरते हैं। द हायरोफेंट, क्या आपके पर्सन आपको खोने से डरते हैं। हायर प्रेस्टेज, क्या आपके पर्सन आपको खोने से डरते हैं। थ्री ऑफ कप, मैंने बोला ना ये धोखा हुआ थर्ड पार्टी आई थी। सिक्स ऑफ सोर्स, क्या आपके पर्सन आपको खोने से डरते हैं। देख लो मैं कार्ड कैसे उठा रही, मुझे कुछ नहीं पता। पेशेंस, नाइन ऑफ कप, पेशेंस रखा हुआ इस इंसान ने, लेकिन ये वापिस आएगा आपके पास। द मून, झूठ बड़े बोले हैं इसने आपके साथ। और सेवन ऑफ कप, विक्ट्री। आपके रहते हुए इस इंसान ने बहुत सारे ऑप्शन ढूंढे पहले जब आप थे इसकी ज़िंदगी में, लेकिन अब इसको ये भी पता है कि आप जो हो बहुत स्ट्रांग बन चुके हो। अब आप ये चाहे ये ना चाहे, मतलब ये कितनी भी कोशिश करेगा ना, अब आप पहले की तरह नहीं मानोगे इसकी बात, तो इसको और ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। एफर्ट्स क्या करने पड़ेंगे, इसको सीधा शादी का प्रपोजल देना पड़ेगा आपको। सीधा शादी के लिए बोलना, कहेगा कि मुझसे शादी कर लो, सीधा ये इंसान अब यही बोलेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कहीं ना कहीं आपकी जर्नी लिखी थी, और ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये भी दिखाता है कि ये जो दुख भरा समय अब जो बहुत जल्दी खुशियों में बदलने वाला है। ये इंसान कहीं हाई प्रेस्टीज का कार्ड ये भी दिखाता है कि इंसान स्पिरिचुअल भी हो रहा है, इंसान सही रास्ते पे चलने की भी सोच रहा है। सेवन ऑफ कप को कार्ड को क्लियरिफाई कर लेते हैं एक बार। नाइन ऑफ पेंटिकल, देखा, उसको पता है कि आपसे अच्छा कोई है नहीं, अपने आप कार्ड आए हैं। थ्री ऑफ कप, ये इंसान थर्ड पार्टी में गया। लेकिन सिक्स ऑफ सोर्स, अब इसको लगता है कि जो मैंने धोखाधड़ी की, जो भी मैंने किया वो सब गलत था, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। नाइन ऑफ कप आया, आपके साथ ही इसकी सारी जिंदगी की खुशियां थी। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आ गए इसकी ज़िंदगी में, जैसे ही आप गए, आप थे तो इसको न्यू जॉब के ऑफर भी मिले, कईयों ने तो नया घर भी खरीद लिया, कईयों को जिनको अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी, आप लोग व्यूअर्स जिनकी ज़िंदगी में थे इनको अच्छी जॉब के ऑफर्स भी आए। द मून, अभी ये इंसान का ना अपने आप में दम घुटता है, जैसे आप परेशान हो ना, ये भी इंसान परेशान है, और ये अब आपसे कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्टैक्ट करेगा, आपसे बातचीत करेगा ये इंसान, क्योंकि बातचीत नहीं करेगा अब आपको उसको पता चल गया कि आप सीधा बातचीत से नहीं मानोगे,
इसलिए इसको सीधा शादी को ऑफर देना पड़ेगा आपको, ठीक है। और मैं थोड़े से रोमांस एंजल से भी ले लेती हूँ। मैं शॉर्ट रीडिंग बना ले थी, लेकिन फिर मैंने कहा चलो मैं लॉन्ग रीडिंग भी बना लेती हूँ थोड़ी सी। फिर आप लोग बोलते हो कि रीडिंग क्यों नहीं बनाई। रोमांस एंजल से मैसेज ले रही हूँ, ये देखिए रोमांस एंजल के मैसेज हैं। मुझे नहीं पता किस मैसेज में क्या है, आप लोगों के सामने ही ले रही हूँ, इसलिए मैंने कार्ड भी ढंग से नहीं लगाए हुए, आप लोगों ने देखा है, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट रीडिंग करने वाली थी, लेकिन ये रीडिंग लंबी हो गई। इट्स ओके, कार्ड आप लोगों के सामने है, इसीलिए कोई निकाल के नहीं रखा, कोई कार्ड निकाल के नहीं रखा मैंने, आप लोगों के सामने सारे कार्ड ओपन किए और सब बिखरे पड़े हैं आपके सामने। अट्रैक्शन, ये हमें पहले ही दिख गया था पहले कार्ड से, अट्रैक्शन है इस इंसान को बहुत ज़्यादा आपसे, ये आपको नहीं छोड़ सकते ना ये आपको भूल सकते हैं कभी। रिलीजियस फैक्टर, योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियन अपब्रिंगिंग एंड द स्पिरिचुअल बात। कुछ ऐसे भी हो सकता है कि आपके माँ बाप को कोई परेशानी नहीं थी ना उसके माँ बाप को कोई परेशानी थी, बीच में किसी यार दोस्त के कहने पर इस इंसान का दिमाग घूम गया और इसने कहा नहीं हमारी कम्युनिटी नहीं मानेगी, इसलिए थर्ड पार्टी में चला गया। लेकिन यूनिवर्स कह रहा है वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। डिवाइन टाइमिंग अपने टाइम पे सारा काम करेगी, डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ होगा। रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। एक ऐसा टाइम अब आने वाला है जब आप दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए काफी रहोगे, आपको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं होगा। फॉर गिविंग एंड लर्निंग एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, योर एक्सपीरियंस मोर लव इज इन योर प्रेजेंट मोमेंटम। यूनिवर्स कह रहा है कि आप लेसन सीखो, लर्न करो और जो अभी टाइम चल रहा है उसमें जीना सीखो। पुराने जो बातें उनको भूल जाओ, आप उनको याद मत करो, नई लाइफ में जीना मतलब नए एहसास के साथ जीना शुरू करो। एक लेसन लो और आगे खुशी खुशी जियो। को डिपेंडेंसी एडिक्शन आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। और कुछ लोगों में ऐसा हुआ कि इस इंसान को कुछ बुरी आदतें थी जिसकी वजह से भी आप लोगों का रिश्ता अफेक्ट हुआ है। दूसरा है यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। और यूनिवर्स कह रहा है कि आप प्यार को डिजर्व करते हो, आप बहुत प्यारे हो, आप में कोई कमी नहीं है। एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। आप लोगों की एंगेजमेंट होगी बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। इट इज सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हायर एनर्जी ऑफ ऑल। आपका प्यार सेफ है, आपका प्यार कहीं नहीं जा रहा आपको छोड़ के, ये बात आप याद रखना, आपका प्यार आपके बाद आ रहा है। और लास्ट मैसेज है लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक यूर मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। आप सबसे पहले तो अपने आप से प्यार करना शुरू कर दो, जिस दिन आप ये करना शुरू कर दोगे उस दिन आपकी जिंदगी अच्छी बनेगी। जब तक इंसान खुद से प्यार नहीं करता ना, खुद से अपनी जिंदगी को अच्छा नहीं बनाता, तब तक उसकी जिंदगी को कोई अच्छा नहीं बना सकता, कोई एफर्ट्स नहीं करेगा आपकी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए। ओके, तो अभी मैं ले लेती हूँ थोड़े से आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ रखे नहीं हुए ना बाकी कार्ड्स, तो मैं आप लोगों के लिए थोड़े से ले रही हूँ ये वाले कार्ड। 10 मिनट से जो ज़्यादा की वीडियो होती है वो यूट्यूब पे देखा करो, क्योंकि वो यूट्यूब पे एक बार में डल जाती है, लेकिन इंस्टा पे 2-3 भागों में वीडियो डालनी पड़ती है, आपको पता ही नहीं चलता फर्स्ट पार्ट कौन सा है, सेकंड पार्ट कौन सा है, थर्ड पार्ट कौन सा है, मैं भी बड़ी परेशान होती हूँ। तो आप यूट्यूब पे सिर्फ छोटी वीडियो मतलब इंस्टा पे सिर्फ स्मॉल वीडियो देखा करो, और हो सके तो आप लॉन्ग वीडियो जो मेरी 20 मिनट, 15 मिनट, 16 मिनट की होती है वो यूट्यूब पे देखा करो, और फेसबुक पे वीडियो वो डलेंगी जो कहीं नहीं डलेंगी। ओके, अभी मैं ले रही हूँ आपके लिए चक्रा हीलिंग कार्ड से पहला मैसेज सेल्फ। ओ माय गुडनेस, देख लो मैंने सिर्फ 3 कार्ड निकाले हैं, पहला ये आ गया सेल्फ वर्थ, अपने आप को पहचानो, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानो। जब तुम इस चेयर पे पहुंच जाओगे ना, तब जो सामने खड़े लोग हैं ना वो खुद ब खुद सिर झुका देंगे तुम्हारे सामने। फेथ रखो, तुम्हारे साथ सब अच्छा होने वाला है, फेथ रखो। मिरेकल, मिरेकल होने वाला है आपकी लाइफ में, जो आप सोच रहे हो कि नहीं होना वो भी हो जाना है। जिस पर्सन ने आपको छोड़ दिया ना, आप कह रहे हो कि वो कभी नहीं आएगा, वो भी आएगा। मिरेकल कभी भी हो जाते हैं, कभी भी।
प्रेयर, आपको प्रेयर करनी है आपकी जिंदगी में, प्रेयर करो कि सब अच्छा डेस्टिनी। और ये आप दोनों का मिलना पहले से ही फिक्स था, आप दोनों की डेस्टिनी में ये लिखा था। ग्रीफ, आपको इस ग्रीफ में नहीं रहना कि मैं गलत हूँ, मैंने गलत किया। नो, आपने कोई गलत नहीं किया, आपने प्यार किया था। क्रिएशन, और यूनिवर्स अब इस रिश्ते को खुद बनाएगा और आपने कुछ नहीं करना, आप सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट को समझो। रिन्यूअल, आप लोगों का रिश्ता रिन्यू होगा। कार्ड सारे उल्टे पड़े हुए हैं और मैं सिर्फ एक एक करके उठा रही हूँ। पैशन, पैशनेट का हमारे पास पैसे पहले भी मैसेज आ गया कि ये इंसान आपके लिए बहुत पैशनेट है और आप भी हो, कहीं ना कहीं आप भी सोचते रहते हो, इनको मिस करते रहते हो। डिस्कवरी, और यूनिवर्स इनको सद्बुद्धि देगा और आपका रिश्ता बनेगा, ये होगा। आप लोग विश्वास रखो, ये इंसान आपके अलावा कहीं नहीं जाएगा, किसी का नहीं बनेगा। जब एंजल्स प्रोटेक्ट करते हैं ना किसी रिश्ते को, तो फिर दुनिया की तो क्या कहते हैं ना वो, जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। और जब यूनिवर्स ने लिख दिया कि दो बंदों ने मिलना ही मिलना है, भैया इनकी शादी फिक्स है, इन्होंने मिलना ही मिलना है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। चाहे कोई थर्ड पार्टी आ जाए, चाहे कोई फोर्थ पार्टी आ जाए, चाहे धर्म अलग हो, चाहे जात अलग हो, चाहे कुछ भी अलग हो, कि शादियां जोड़ियां जो है ना वो ऊपर से बन के आती हैं। कोई कितने ब्लैक मैजिक कर ले, व्हाइट मैजिक कर ले, ब्लू मैजिक कर ले, कुछ भी कर ले, जय हो लिखी है ना जोड़ी, एक जन्म एक मृत्यु और एक शादी, किससे होनी है, कब होनी है, ये सब यूनिवर्स ने पहले ही अपने खाते में लिखा हुआ है। बस जिससे होनी है उसी से शादी होगी, उससे फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं हटा सकती तुम्हें, कोई भी ताकत नहीं। तो ये थी आज की रीडिंग, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब माय चैनल बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी, और इंस्टा पे आईडी है simi9356, और एक आईडी और है simi tarot1972, और यूट्यूब पे एक चैनल और है simi666tarot, तो आप सर्च कर सकते हैं। और मेकअप आर्टिस्ट सिमी पे अभी वीडियोज आ रही हैं फेसबुक पे शॉर्ट वाली, तो वो भी आप देख सकते हो। ओके विज बाय, टेक केयर, लव यू।